हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक QR स्कैन ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का हम डेमो दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ से आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसका जो डेमो है, तो डेमो में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम यहाँ से देख लेंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस कोड को आप यहाँ से परचेस कर लेंगे और इसके बाद जैसे आप ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है स्कैन QR और इसमें स्क्रीन शॉट्स भी है, आप स्क्रीन शॉट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो जो फीचर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मेनली हम QR स्कैनर के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो इसके बाद यहाँ पर डेमो APK भी दिया हुआ है, आप सिंपली उसको देख कर भी यहाँ पर डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट है, जो भी फीचर्स है, वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल QR को यहाँ पे स्कैन कर सकता है और यहाँ पे 2D कोड अगर आएगा तो उसको भी यहाँ पे कर सकता है। फिर सेट स्कैनर सेटिंग, आप अपना खुद का भी स्कैन एक सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं, यानी खुद के नेम के साथ भी कोई भी QR हो और बार कोड हो यहाँ पर आप जेनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सोर्स कोड है, तो सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। तो आपको यहां पे जैसे ओपन करेंगे इसका सोर्स कोड, तो इसको आपको यहाँ पर परचेस कर लेने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस सोर्स कोड को। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस एप्लीकेशन को परचेस कर सकते हैं। इसके बाद से जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो सबसे पहले आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है 4.1.1 है। तो आपके पास जो भी वर्जन हो सकता है कि लेटेस्ट वर्जन अब आ गया है, तो लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कीजिए, उसी में आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जैसे इसको ओपन करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि इसमें सारे स्टेप्स लिखे रहते हैं इस एप्लीकेशन को रेस्किन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन को रेस्किन करके आपको बताएंगे कैसे इसको ऐप में कन्वर्ट करेंगे, यानी सोर्स कोड से इसको ऐप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे रहते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद यहाँ पे ऐड मोड का ऐड है, तो ऐड मोड का ऐड आप यहाँ से लगाएंगे तो इसमें भी सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस सब कुछ हम आपको बताएँगे कैसे इसको करना है। तो फिलहाल यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से अभी हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ से रीड कर चुके हैं। और यहाँ पे बैक जाएंगे, इसके बाद से एक और आपको यहाँ पे फाइल मिलेगी जो आपको सोर्स कोड की फाइल रहती है। जैसे इसको ओपन करते हैं, पहले हम इसको अपने दूसरे ड्राइव में कर लेते हैं जहाँ पे इसको आप रखना चाहते हैं। तो आपको ओपन करना है और जितना कोड है आपको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, इस सारे कोड को आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया सारे कोड को। कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से हम अपने दूसरे ड्राइव के अंदर इस सोर्स कोड को रखना चाहते हैं, तो हम इसको ई ड्राइव के अंदर रखेंगे, जिससे कि आपका जो ड्राइव रहता है, आपका जो सोर्स कोड होता है, वो सेफ रहता है। अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखते हैं तो कभी आप डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाता है फाइल्स। तो इस वजह से आप इसको दूसरे ड्राइव के अंदर रखिए, बस सी ड्राइव के अंदर नहीं रखना है आपको, बस आपको और डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव, जो भी ड्राइव एक्स्ट्रा हो, आपको उसमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैंने फोल्डर का नेम दे दिया QR स्कैन, कोई भी नेम आप दे दीजिए। देने के बाद इसको हम यहाँ से हम कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो यहाँ पे जो न्यू फोल्डर है यहाँ से क्रिएट हो गया, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे जो भी कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था। तो इस तरह से आपको जो लोकेशन है आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। वैसे ही किसी भी एप्लीकेशन के लिए, कोई भी अगर एप्लीकेशन आप रेस्किन करते हैं तो आपको यही प्रोसेस करना है। आप डेस्कटॉप में मत रखिए कोई भी सोर्स कोड को, आपको दूसरे फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है दूसरे ड्राइव के अंदर, और उसके बाद से यहाँ से आपको क्रिएट कर लेना है। तो प्रॉपर तरीके से हो जाता है, हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। अगर बाद में आप इस एप्लीकेशन को अपडेट भी करते हैं प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से आपको यहाँ पे आपका सोर्स कोड सेफ रहता है, तो अपडेट हो जाता है इजीली। तो इस वजह से हम इसको अलग ड्राइव में रखते हैं। तो यहाँ से हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स कोड हमारा आ चुका। इसके बाद आपको जो इसका पाथ है, सिंपली इसके पाथ को कॉपी कर लेना है। तो मैंने कॉपी कर लिया इसके पाथ को, और इसके बाद इस एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो हमारा इसमें अब कुछ नहीं है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं।
तो यहाँ से हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हैं, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो पाथ है तो पाथ को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो मैंने पाथ को कॉपी किया था तो यहाँ से पेस्ट कर दिया। उसके बाद से आप सिंपली बाई यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बीच पे इसके जो पाथ है आप सिंपली सर्च कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ से हम इसको करते हैं तो मिनिमाइज किया, तो मैंने इसको ई ड्राइव के अंदर रखा हुआ, तो ई ड्राइव के अंदर जो भी पाथ जो भी फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ था उस फोल्डर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप यहाँ से इसके पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके जो भी हमारा फोल्डर था जो जहाँ पे हमने पेस्ट किया हुआ था इसके फोल्डर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। करने बाद जस्ट यहाँ पे अपने नेट को चेक कर लेंगे, तो हम यहाँ से हम नेट को चेक कर लेते हैं, नेट मेरा ऑन है। नेट पे ऑन होने के बाद यहाँ पे इसको फिर से चेक करना है और ओके पर क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन ओके। इसके बाद से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हमारा जो सोर्स कोड है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में इम्पोर्ट हो रहा है। तो इम्पोर्ट होने के लिए मेनली यहाँ पर नेट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप इसे पहली बार करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि अप्रॉक्स 10 मिनट भी लग जाए, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हमें इसको अभी कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, और ये जब कंप्लीट इम्पोर्ट हो जाएगा तभी हमें इसमें कुछ करना है। जब तक ये इम्पोर्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हमें कुछ भी यहाँ पे अभी टच नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हो चुका है इम्पोर्ट कम्प्लीटली। हो जाने के बाद अब यहाँ से हम जो चेंजिंग है बाकी सारी चेंजिंग उसको हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंड कर लेना है, ग्रेडल स्क्रिप्ट को एक्सपेंड कर लेते हैं, और यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम एसडीके वर्जन है 21 एंड मैक्सिमम 29 है, तो जैसा है उसको आप ऐसे रहने दीजिए। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, बाकी सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी डिपेंडेंसी होती है, अलग अलग जो भी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड किया गया है, ऑलरेडी सब कुछ है। और इसके बाद से यहाँ पे जो पैकेज का नेम है, तो पहले सबसे पहले हम पैकेज का नेम चेंज करना आपको बताएंगे। इसके लिए आपको यूनिक पैकेज के नेम की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं एप्लीकेशन को, तो यूनिक पैकेज आप यहाँ से फाइंड करेंगे, हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर का कोई भी एप्लीकेशन सिंपली ओपन कर लेना है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आईडी इक्वल टू के बाद जो कुछ लिखा है उसको हम बोलते हैं पैकेज नेम। तो जो हम पैकेज नेम यूज करने वाले हैं उस पैकेज नेम को यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया com.qrscanner.myqr। तो जो भी आप पैकेज का नेम रखना चाहते हैं उस नेम को आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर इस टाइप का कुछ इंटरफेस आता है, यानी कि आपका जो पैकेज नेम है यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई पहले से कोई एप्लीकेशन है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पैकेज नेम यानी कि यूनिक पैकेज नेम अपने एप्लीकेशन के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कैसे यूनिक पैकेज नेम आप फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ से नोट पैड पर मैंने पेस्ट कर दिया, अब यहाँ से हम आ जाएंगे जावा के अंदर। तो मैंने जो कॉपी किया था उसी को अब हमें यहाँ से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर कभी कभी होता है एक ही लाइन में सारे पैकेज नेम शो होके आते हैं कुछ इस टाइप में कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो इसको हमें इसको अनटिक कर देंगे तो ये जो है कॉम्पैक्ट इसका अनटिक हो जाएगा, यानी कि सब कुछ यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा सारा इसका पैकेज का नेम, ठीक है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर एंड रीनेम। इसके बाद जो मैंने कॉपी किया था सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर रिफैक्टर पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद हमारा जो पैकेज का नेम होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे कॉर्नर में यहाँ पे आ जाता है डू रिफैक्टर का ऑप्शन, तो कभी कभी आता है और कभी नहीं आता। अगर आपका आता है तो आपको डू रिफैक्टर कर देना है, अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद से दूसरा वाला है, दूसरे वाले को भी यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे भी प्रोसेसिंग हो रहा है, हमें वेट करना है जब तक कि प्रोसेसिंग कम्प्लीट नहीं होता है। तो हो गया, इसके बाद से दूसरे वाले पर भी राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर जाएंगे, क्लिक ऑन रीनेम एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर रिफैक्टर पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो हमारा जो पैकेज का नेम होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा पैकेज का नेम चेंज हो गया। इसके बाद से इन सबको कंट्रोल है कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर लेना है सबको। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये भी प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद से इसके जो एप्लीकेशन की आईडी है, एप्लीकेशन की आईडी में हमें पेस्ट करना होता है इस पैकेज के नेम को। तो आपको सिंपली यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल को ओपन करना है यहाँ से, और ओपन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है आपको अपने
यहाँ पे पैकेज नेम के साथ, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर सिंकनाउ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर सिंकोनाइज हो जाएगा, यानी कि जो कुछ भी हमने चेंज किया वो सब कुछ यहाँ पर सेव हो गया। ओके, इसके बाद से हमारा पैकेज का नेम चेंज हो चुका। अब हमारा दूसरा प्रोसेस है, इसमें हमें एप्लीकेशन के नेम को चेंज करना, तो उसको कैसे करना है वो अब हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे RES यानी रिसोर्स फाइल में जाना है, इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे string.xml और यहाँ पे लिखा हुआ ऐप अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम आपको चेंज कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन का नेम यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, जो भी एप्लीकेशन का नेम आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया QR स्कैनर या QR, जो भी नेम आप देना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन का नेम दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे है जो कि ऐड लगाया गया है, तो यहाँ पे टोटल 3 ऐड लगा हुआ है। यहाँ पे बैनर है, इंटरशियल है, नेटिव ऐड और बाकी सारा जो डिटेल है, डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी नेसेसरी डिटेल होगा वो सब हम आपको बता देंगे क्या क्या चेंजिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है, फिलहाल इसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेड कलर का आ रहा है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज अब चेंज किया जाता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो उसमें उसको यहाँ पे जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको फॉलो नहीं कर पाता है, इस वजह से वो एरर यहाँ पे शो कराता है। लेकिन ये कोई एरर नहीं है, आपके एप्लीकेशन में कोई भी एरर नहीं आएगा, ये इसकी वजह से आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको जैसा इसको है आपको इसको इग्नोर करना है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एरर से क्योंकि कोई एरर नहीं है, मेनली ये हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो की वजह से आता है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे रहने देंगे। इसके बाद से यहाँ पर जैसे मैंने उसको ओपन किया, अपने डॉक्यूमेंटेशन को एक बार हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमें क्या क्या प्रोसेस को करना है। तो यहाँ पे हमें पैकेज का नेम चेंज हो चुका है, एप्लीकेशन का नेम चेंज करना मैंने आपको बता दिया है और इसके बाद यहाँ पे है हमारा जो लोगो, यानी कि लोगो चेंज करना अब आपको बताएंगे और यहाँ पर हम जो इसका एड मोड का एड है उसको हम लगाना बताएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ और चेंजिंग करना है, लाइक अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन में फायरबेस है या नहीं, तो आप यहाँ से सिंपली डिपेंडेंसी को चेक करके भी यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपके अकाउंट में आपके जो हमारा फायरबेस ऐड है या नहीं। तो फायरबेस की डिपेंडेंसी ऐड रहता है अगर इसमें फायरबेस लगा होता है तो। तो फिलहाल इसमें कोई फायरबेस की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें कोई फायरबेस नहीं लगाना है। इसके बाद इसमें हम लोगों को चेंज करेंगे, तो एप्लीकेशन को लोगों को चेंज करने के लिए सिंपली ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं icon.png नेम से एक लोगो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इस लोगो को आप रिप्लेस कर देंगे अपने लोगों से, तो आपका जो यहाँ पे लोगो है यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लोगों को चेंज करना है। तो एक लगा करके हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों को चेंज किया जाता है। तो यहाँ से हम, मेरे पास एक इमेज है, तो आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में आकर के इसको ऐड करना पड़ता है। तो फिलहाल हम एक इमेज है मैंने मेरे पास रखा हुआ है उसको हम यहाँ पे लगा के दिखाते हैं। तो कोई भी आप अच्छा सा लोगो क्रिएट कीजिए, लोगो को क्रिएट करने के बाद ये आपको इसमें लगाना है। आप अपना ओरिजिनल लोगो आप ऐड करेंगे जब इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से ओके पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर इसका नेम चेंज कर दिया, लोगो नेम से मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर इफेक्टर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जो लोगो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद जो इसका पाथ है, अब हमें पाथ देना पड़ता है लोगो का। तो आप देख सकते हैं logo.png इसी लोगो को मैंने ऐड कर दिया, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे लोगो को ऐड किया जाता है। तो इसकी साइज़ आप 512x512 भी रख सकते हैं और यहाँ पे कुछ कम भी कर सकते हैं, बट जब प्ले स्टोर पब्लिश करेंगे तो उसकी साइज़ 512x512 ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ से बस एक ही साइज़ का बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लोगो का मैंने लोगो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया, तो आपका जो लोगो है यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आइकन लिखा हुआ है, आइकन वाला यहाँ पे जो इसका पाथ है सेट करेगा और जब लोगो लिखेंगे तो लोगो वाला पाथ इसका सेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो लोगो है मैंने जो अभी जस्ट इमेज को लगाया है उस इमेज से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। और नीचे वाले में भी आपको चेंज कर लेना है, दोनों जगह पर आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है। इसके बाद आपका जो लोगो होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लोगों को चेंज करना और उसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं। फिलहाल हम जो पिछला वाला जो हमारा आई लोगो था उसी को हम यहाँ पर रहने देते हैं, बस मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पर ऐड करते हैं लोगों को।
ठीक है, तो ये हमारा हो चुका। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ऐड मूव का ऐड लगाना। तो ऐड मूव का ऐड कैसे लगाना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो बाकी सब कुछ आप यहाँ से इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले ओपन कर लेते हैं अपने अपने जो एप्लीकेशन है। तो ये रहा मेरा एप्लीकेशन, और इसके अंदर आपको दूसरा मेथड यहाँ से बताते हैं कैसे यहाँ पर लोगों को चेंज करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको ड्रॉबल फोल्डर को ओपन करना है, यानी अपने जो सोर्स कोड है सोर्स कोड के अंदर जा कर के आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ड्रॉबल के अंदर जा कर के अपने इमेज से इस इमेज के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो आपका जो इमेज है जो भी कोई लोगो है वो चेंज हो जाएगा। कोई भी पार्टिकुलर लोगो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे इमेज कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके सोर्स कोड के अंदर जा कर के भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से आपको आनी चाहिए, जिस भी मेथड से आपको करना हो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा बेसिक डिटेल्स, यानी कि आप यहाँ से कोई भी इमेज होगा आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे अपने ओरिजिनल इमेज से, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको लेआउट वाला पार्ट है, तो लेआउट में सारे जो यूआई डिज़ाइन किया जाता है वो सब कुछ यूआई है, यानी यूजर इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे हम डिजाइनिंग पार्ट भी देख लेते हैं। इस सारी कोडिंग को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो जो आपको रिक्वायरमेंट लगे, आपको लगे कि यहाँ पे चेंज करना कुछ टेक्स्ट वगैरह तो टेक्स्ट को आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पे जो लेआउट वाली पार्ट है उसको यहाँ से हम देख लेंगे। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। और बाकी सारा जो पार्ट है तो हमारा होम एक्टिविटी के लिए हो गया, एंड यहाँ पे एक्टिविटी मेन वाला हो गया। और एक चीज़ और इसमें हुआ है, स्प्लैश एक्टिविटी, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो इमेज शो होता है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्प्लैश एक्टिविटी। तो स्प्लैश एक्टिविटी को कैसे करना है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले ये हमारा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, ये हमारा होम पेज है। तो आपको इसको चेंज करना है, इसके नेम को सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो नेम है सिंपली यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे QR स्कैन, ओके। और इसके बाद उसके जस्ट नीचे भी थोड़ा कुछ लिखा हुआ है टाइटल के अकॉर्डिंग, उस पर आप क्लिक करेंगे वहाँ से भी चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर कोई भी इमेज है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो इमेज होगा आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रैवल फोल्डर के अंदर जो कि gr.scan नेम से एक इमेज है या फिर .xml फाइल कुछ भी हो, आपको उसको ओपन करना है और वहाँ से उसको चेंज कर लेना है। तो इस तरह से कोई भी पार्टिकुलर इमेज होगा वो चेंज हो जाएगा। बाकी सारा जो लेआउट वाला पार्ट है तो उसको भी आप यहाँ से इस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ओपन करके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद स्प्लैश डॉट एक्टिविटी फाइल है, तो हम इसको ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इमेज है सिंपली इमेज पे इसको डिलीट करेंगे। और जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं सिंपली इमेज यहाँ पे, जैसे कि मैंने लोगो नेम से वो इमेज को ऐड किया था, लोगो मैंने टाइप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो चेंज हो गया। और यहाँ पे जो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है यहाँ से टेक्स्ट इसका चेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया QR स्कैन, तो यहाँ से चेंज हो गया। और इसका जो बैकग्राउंड का जो यहाँ पे कलर है, तो कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो कलर होगा बैकग्राउंड में वो भी चेंज हो जाएगा। या फिर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इमेज भी आप उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं तो वहाँ से हो जाएगा। इसके बाद इसमें बाकी सारा जो लेआउट है, तो बाकी सारे लेआउट को भी हम यहाँ से ओपन करके देख लेंगे। और यहाँ पे जो नेविगेशन का जो कलर है, तो कलर को भी यहाँ से आपको चेंज करना हम आपको बताएंगे। तो पहले बाकी सारा जो लेआउट है, तो बाकी सारे लेआउट को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। और यहाँ से पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर हम यहाँ से इसका जो कलर है तो कलर चेंज करना बताएंगे कैसे इसको कलर को चेंज करते हैं। तो हम यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे नीचे आपको आ जाना है। लाइक यहाँ सबसे जो ऊपर वाला कलर है जो कि पर्पल कलर है, इसके कलर को मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए आप सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे color.xml सिंपली इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जो कलर है, तो कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का कलर है, तो इसको आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने कोडिंग वाले पार्ट में आ जाना है। और यहाँ से चेक कर लेना है कि कौन से यहाँ पे जो यहाँ पे फोल्डर्स यहाँ पे किससे लिया गया है, जो कलर का नेम है वो किस नेम से ऐड किया गया है। तो आप उस नेम को आप यहाँ से चेक कर लेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं
यहाँ पे जो कलर है, यहाँ पे जी आर प्राइमरी कलर का से यहाँ पे लिया गया है कुछ इस टाइप का कलर, यानी कि ड्राइवर फोल्डर के अंदर से उसको चेक कर सकते हैं। तो पहले हमें जाना होगा ड्राइवर फोल्डर के अंदर, जो कि नेम है जी आर अंडर स्कोर प्राइमरी। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं, इसे ओपन किए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर है, और इसके अंदर जो कलर है वो यहाँ पे स्टार्टिंग कलर एंड स्टार्टिंग कलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं। और यहाँ पे एंडिंग कलर है, यानी कि ग्रेडियंट कलर यहाँ पे है, तो आप कलर को यहाँ से भी चेंज कर लेंगे। और जो कलर डॉट एक्सएमएल है, तो आप उसको वहाँ से भी दूसरा कलर आपको सिलेक्ट हो जाएगा, आप उसको भी करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कलर होगा, तो आपको यहाँ से कलर को चेंज कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो हमारा कलर भी चेंज हो चुका है, यहाँ पे अच्छी तरीके से शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे रिसोर्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे इसमें वैल्यूज़ के अंदर, और आप यहाँ पर हम आना है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। इसके बाद हम यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं एड मोब के एड को, और यहाँ पे जो आपका मेनू बार है, यानी मेनू बार को भी आप यहाँ से ओपन करके देख लेंगे एक बार कि मेनू बार में क्या क्या ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट होता है या कोडिंग पार्ट, यानी कि आपको दोनों यहाँ पे पार्ट मिल जाते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल को ओपन करेंगे, और यहाँ से हम एड मोब का ऐड लगाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है एड मोब, और यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। और इसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। तो अगर आप इसे पहली बार क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट लगेगी, आपको फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ आपको बेसिक डिटेल ऐड करना पड़ेगा, तो आप इस सबको ऐड कर दीजिए। उसके बाद से आपका जो अकाउंट है यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ से अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा ऑलरेडी एडमोब का अकाउंट है, तो यहाँ से हमारा यहाँ पे कंसोल ओपन हो जाएगा। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है एडमोब का, तो यहाँ से आपको पहले थोड़ी सी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, उसको फिलअप करना होगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे एडमोब का कंसोल मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, और इसमें हमें टोटल 3 ऐड लगाना है, यानी कि एडमोब का बैनर, इंटरशियल एंड नेटिव ऐड, टोटल 3 ऐड को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ से हमारा जो इसका डैशबोर्ड है, यहाँ से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐप का ऑप्शन, तो यहाँ से हमें ऐप क्रिएट करना है, यानी ऐप के अंदर इसका जो ऐड आईडी है वो सब कुछ हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा ओपन हो गया, जस्ट यहाँ पर ऐप पे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी आप ऐप क्रिएट करे रहेंगे वो सब आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ऐप को ऐड ऐप पर सिंपली क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमें चूज़ कर लेना है। तो मेरा एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, सिंपली एंड्रॉयड चूज़ करना है, और यहाँ पर नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे हमें ऐड कर देते हैं। तो एप्लीकेशन का नेम मैंने ऐड कर दिया जस्ट QR, और यहाँ पर नेक्स्ट किया, डन किया, और ऐड ऐड यूनिट। फिर यहाँ पे बैनर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ऐड का नेम है सिंपली यहाँ पे दे देते हैं ऐड वन, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, क्रिएट ऐड यूनिट। और इसके बाद से हमारा जो ऐड की यूनिट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन की आईडी या फिर ऐप आईडी। इसको ऐप की आईडी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देंगे। तो हमें ऊपर वाले पार्ट में रिप्लेस करना है, यहाँ पर ये हमारा ऐड मोब का ऐड यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन की आईडी रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद से हमें बैनर चाहिए, तो बैनर का जो ऐड आईडी है यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ये हमारी बैनर की ऐड आईडी है, और यहाँ पे है नीचे वाले में, इसको हमें यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। इसके बाद हमें इंटरशियल और नेटिव दो क्रिएट करना है। तो क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे, इंटरशियल एंड ऐड टू, इसका नेम हमें चेंज करते रहना है, सेम नेम नहीं रखना है। और इसके बाद यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, एप्लीकेशन का नेम सेम रहता है, आपको बस एक ही बार यूज करना होता है। यहाँ पे ऐड यूनिट को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, इंटरशियल आईडी ऐड मोब, इसके जगह पे हमें रिप्लेस कर लेना है अपने ओरिजिनल ऐड आईडी को।
और यहाँ पे फिर से एक और क्रिएट करना है जो कि हमें नेटिव ऐड क्रिएट करना है। तो नेटिव आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट क्लिक करेंगे और इसका नेम कर देंगे ऐड थ्री, क्रिएट ऐड यूनिट, और यहाँ पे क्रिएट हो गया। जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपको जो ऐड यूनिट है यहाँ पे क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद एक बार हम इसको सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट कर दिया, यानी सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब हम इसको एप्लीकेशन को रन करके सिंपली चेक करेंगे। तो इसको अगर आप इमुलेटर में रन कराएंगे तो वहाँ पे जो स्कैन होगा, स्कैन करने के लिए आपको लाइब्रेरी या पे गैलरी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो बेटर यही रहेगा कि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में रन कराइए। इसके लिए आपको साइंड एपीके की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे आप एपीके जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बिल एपीके को जनरेट कर लेते हैं। बिल एपीके जो कि नॉर्मल एपीके होता है, आप इसको डेमो के लिए यूज करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में रन कराने के लिए। तो हम इसको यहाँ से हम देख सकते हैं बिल एपीके मेरा जनरेट हो गया है। और प्ले स्टोर पब्लिश करने के लिए मेनली साइंड एपीके की ज़रूरत पड़ती है। तो साइंड एपीके कैसे जनरेट करते हैं, कैसे प्ले स्टोर पब्लिश करते हैं एप्लीकेशन को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देख के कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। इसके बाद इसका जो नेम है, तो सिंपली आप एपीके का नेम यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, जो भी नेम आप ऐड करना चाहते हैं, और इसको अपने मोबाइल फ़ोन में लेते हैं और इसको रन करके आप चेक करते हैं। तो मैंने इसको अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिया है और यहाँ पर इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और इसको हम चेक करेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्प्लैश स्क्रीन पहले हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ओपन होके आ गया, जैसा कि मैंने कलर भी चेंज किया था, सब कुछ एवरीथिंग परफेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा नीचे ऐड भी शो हो के आएगा। तो ऐड आपका तभी शो हो के आएगा जब यहाँ पे आपका नेट ऑन रहेगा। तो यहाँ से आपका नेट ऑन रहेगा तो आपका यहाँ पे नीचे ऐड भी शो हो जाएगा तुरंत ही। तो पहले हम यहाँ से स्कैन करते हैं, अलाउ करना होगा परमिशन, और यहाँ पे हम स्कैन कर लेते हैं। तो मैंने लैपटॉप से कोई भी एक जस्ट QR मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको स्कैन किया। तो स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और यहाँ पे जो उस QR के अंदर जो भी लिंक था तो यहाँ से आ गया। तो इस पर आप क्लिक करके आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो इसको सेंड कर सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो QR कोड है आपको स्कैन कर लेंगे। बाकी जो यहाँ पे बाकी सारा जो यहाँ पे फीचर्स है वो सब कुछ हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे स्प्लैश है, स्प्लैश भी आप जला करके भी कर सकते हैं। और स्कैन इमेज, यानी कि आप यहाँ पे स्कैन करेंगे यहाँ पे गैलरी फाइल से भी कोई भी इमेज हो आप उसको वहाँ से भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे शेयर का, तो शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सर्च, सेव एंड शेयर, इस सब कुछ आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाता है। वो सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अच्छा एप्लीकेशन है और इसको आप क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऐड है, तो यहाँ पे ऐड मोड का ऐड भी अब यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे नेट मेरा काफ़ी फास्ट है तो इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरशियल ऐड भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो बाकी सारा जो यहाँ पे है हम उसको देखेंगे। तो एक क्रिएट, यानी कि आप अपने नेम से या फिर अपने वेबसाइट का कोई नेम हो या फिर कोई भी आपका मेल आईडी हो, किसी भी नेम से आप अपना खुद का QR या फिर बारकोड दोनों जेनरेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से। इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, कॉपी टू इसको कॉपी करना चाहते हैं और इसको आप शेयर करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वो अपने नेम से अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से QR या और QR और बारकोड दोनों का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जो कि आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री, जितना भी आप काम किए रहेंगे, जितना स्कैनिंग किए रहेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे ऑल में आ जाएगा। फेवरेट में जिसको ऐड किए रहेंगे फेवरेट में आ जाएगा। इसको आप सारे को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हिस्ट्री करना चाहते हैं, यानी सारे जो जितना भी हिस्ट्री है उसको किसी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड भी हमारा अच्छे तरीके से आ रहा है। तो अगर ऐड को आप कम करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे बीड को सेट करना होता है ऐड मोड में जा करके, तो आप उसको कर लेंगे तो आपका जो ऐड होगा कम आने लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो।
इसके बाद यहाँ पे हमारा एक स्टेप्स है, यानी कि मोर ऐप पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है योर डेवलपर आईडी, यानी कि आपको यहाँ पे अपने डेवलपर की आईडी को ऐड करना चाहिए था, तभी जा कर के आपका जो बाकी सारा जो ऐप है यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो हमने आपको डेवलपर की आईडी को यहाँ पे ऐड करना आपको नहीं बताया, तो फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि डेवलपर की आईडी को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं, यहाँ पे आपको आ जाना है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल बार डाउन करना है। जैसे यहाँ से नीचे आप आते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा, तो पहले यहाँ पर लाइन नंबर है 179 और उसके ऊपर वाला है जो कि लाइन नंबर है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे लाइन नंबर 179 पे आएंगे और यहाँ पे लिखा है योर डेवलपर आईडी, यहाँ पे आपको अपने डेवलपर आईडी से रिप्लेस कर देना है। अगर आपके पास प्ले कंसोल है तो आपको आपके पास एक डेवलपर आईडी होगा, आप उसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से सारे स्टेप्स को मैंने आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, या फिर अगर कोई और क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।